हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप HTML लैंग्वेज पे जब कोडिंग करते हैं तो आप फ़ॉन्ट का जो लैंग्वेज का जो स्टाइल है, मतलब यानी कि फ़ॉन्ट फेस आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं HTML हेड टाइटल URL का नाम www.youtube.com/title। उसके बाद हेड क्लोजिंग करेंगे, क्लोज हेड। उसके बाद बॉडी एरिया जो पेज पे इफेक्ट करते हैं, H1। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके बारे में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लैंग्वेज, क्लोजिंग H1। तो ये हमने H1 हेडिंग 1 में लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे इसी को थोड़ा सा मैं स्टाइलिश कर लेता हूँ, इसका फर्स्ट कैरेक्टर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मार्कअप का भी M, अच्छा सा नहीं लग रहा। टेक्स्ट हाइपर का H, अब इसकी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, तो ये दो की टेक्स्ट स्टाइल नॉर्मल लगते हैं और दो का हम चेंज करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, H1 के बाद, H1 के बाद मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं यहाँ पे H1 के बाद ही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं मुझे, मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा फॉन्ट फेस इक्वल और फॉन्ट फेस का नाम। तो जो भी मुझे रखना है, जैसे स्टाइलिश लैंग्वेज रखना है तो स्टाइलिश लैंग्वेज, यहाँ पे हम फॉन्ट पे जाते हैं, और यहाँ देखिए लैंग्वेज की स्टाइल आ रही है, हरी ना, बहुत सारी देखिए लैंग्वेज की स्टाइल। तो मुझे एक लैंग्वेज थोड़ा सही सा लगता है, इनमें से भी आप लिख सकते हैं और बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। मैंने लिख दिया मोनो टाइप कोर्सिवा और इसे सेव करते हैं। फॉन्ट फेस .html, अब इसे हम माई डॉक्यूमेंट्स में जाके ओपन करते हैं। ये देखिए, ये तो नॉर्मल में है और ये मोनोटाइप कोर्सिवा लैंग्वेज में आ गया। अगर मुझे इसका और कोई सा नाम चेंज करना है तो मैं नाम वैसे ही चूज कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। ये हम उसे ओपन करेंगे, यहाँ पे जो भी नाम रखना है आपको वो स्टाइल ले सकते हैं। अब सपोज डेट ये रखना है तो इसकी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कैंसिल, अब मोनोटाइप कोर्सिवा की जगह पेस्ट कर दिया। अब देखिए क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल सेव, और यहाँ जाके हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और कुछ चेंज करना है तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, सीधा आपको फॉन्ट पे जाना है और यहाँ पे स्टाइल चूज करना है, जो भी आप फॉन्ट का स्टाइल रखना चाहते हैं ये रख लेते हैं हम, कॉपी और कैंसिल, इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम इसे सेव करते हैं और वहाँ जाके रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को इस नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।